हेलो एवरीवन, दिस इज मी किस्मत कारो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है। मतलब आज नहीं है, कल है। ये व्लॉग मैं 6 को शूट कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सोचा मैं उनको क्या गिफ्ट दूँ, क्या गिफ्ट दूँ। मुझे कुछ सूझा ही नहीं यार, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। तो मैंने सोचा यार, उनके पास सब कुछ है तो मैं क्या दूँ। तो मैंने सोचा मैं दी की फेवरेट चीज़ करूंगी, मतलब कुकिंग करूंगी। तो मैं आज जा रही हूँ उनके लिए केक बेक करने, खुद के हाथों से। और मुझे कुकिंग का सीख भी नहीं आता, आई एम वेरी बैड एट इट। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो पहले चलते हैं और फिर कार में आपसे बात करती हूँ, आ जाओ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं केक बेक करने कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ पोलका गोल बाजार पे। वैसे तो देखो, केक मैं घर पे भी बेक कर सकती थी, लेकिन वो डेकोरेशन नहीं हो पाती है जैसे वो करते हैं, और मुझे कुकिंग का सी भी नहीं आता। तो मुझे बहुत ऐसे नर्वसनेस हो रही है, इसलिए मैं मम्मा का ऑल दी बेस्ट लेके चला हूँ। और ये है दी का ऑल दी बेस्ट, दी की चेन है ये। एंड मुझे काफ़ी ऐसे नर्वसनेस हो रही है। वैसे करण सर ने मेरे लिए सारी अरेंजमेंट्स करवा के रखी हैं। अब हम वहाँ जाके देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, और आपको भी दिखाते हैं, आ जाओ। तो अब हम आ गए हैं किचन में, एंड मुझे ऐसा लगता है कोई भी किसी को भी किचन में एंटर करने नहीं देता। एंड करण सर ने मुझे एंटर करने दिया, तो मुझे ना कुछ भी सूझा नहीं। मैं दी को क्या सरप्राइज दी, तो मैंने क्या किया, मैंने करण सर को कॉल किया, करण को मुझे दी के लिए सरप्राइज देना है। एंड करण सर ने बोला फेंक ही जाओगे। एंड आई होप दी को ये पसंद आए, दी को अच्छा लगे। उनको पता है मुझे बिल्कुल भी कुकिंग करने नहीं आती, और हमने ना केक तक ऑफिस से लेकर ये वाला। मुझे ये विश्वास है अभी ये मैं सीधा करण सर को कॉल करती हूँ, ये करना है तो करण सर कर देते हैं। मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मुझे काफी डर लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने कभी केक बनाया है, तो सर ने क्राफ्ट साइड ली
हमें ऐसा उसको बनाने में मुझे आज पता लग रहा है, लेकिन मुझे आया मुझे लगता है 2 आवर्स हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ हमने वो स्पून रेडी किया है और साथ में उसका आइसिंग किया है और अभी वो उसको पूरा डेकोरेट करना है तो फिर वो इस तरह से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पर आई होप हो जाए। अपने आप मैं बोलूँगी मम्मी कुछ मैं कर सकती हूँ अपनी दीदी के लिए करना है एंड आई विल डू इट सो हम उसको डेकोरेट करते हैं। हाँ जाओ अब हम दीदी के लिए यूटेंसिल्स लेने आ गया बिकॉज मुझे लगता है उनको कुकिंग का इतना शौक है तो उनको यूटेंसिल्स पक्का उनके लिए बेस्ट गिफ्ट होंगे सो अब हम यूटेंसिल्स लेते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। अब देखते हैं हम क्या क्या लेते हैं एंड उसके बाद हमें उनको कॉरियर भी करवाना है। सो यस पैन चाहिए लोहे की, अपर स्टैंड चाहिए लोहे की, कढ़ाई चाहिए, डोसे वाला तवा चाहिए और केक वाली जैसे हमें कुकर में किसी में कढ़ाई में केक बनाते वो स्टील वाला होता है वो चाहिए, हाँ बस वो ला चाहिए। ये सब कुछ डिसाइड किया है, अब हम भैया इनको लेके जा रहे हैं। हेलो कर दो, चलो चले आप भी कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो मेरे साथ अभी तक इस व्लॉग में जुड़े हुए हैं एंड मुझे ये नहीं पता 12 बजे या नहीं बजे लेकिन मेरे मुंह पे 12 ज़रूर बज चुके हैं क्योंकि मैं सुबह से यू नो काफ़ी ज़्यादा ऐसे थक गया था क्योंकि पहले मैंने केक बेक किया फिर हम यूटेंसिल्स लेने गए फिर कूरियर करवाया काफ़ी ज़्यादा वो था एंड एक और सरप्राइज़ है दी के लिए क्योंकि कूरियर का थोड़ा सा हमें कॉस्टली लग रहा था तो हमने उसके अंदर वेट ऐड करवाया तो उस वेट ऐड के लिए हमने एक और सरप्राइज़ डाला है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और एक और सरप्राइज़ है कि हम दी के लिए रूम डेकोरेट कर रहे हैं तो उसका एक छोटी सी झलक अभी दिखा रही हूँ लेकिन पूरा आपको अगर देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हो एंड अभी हम इसको ये जो है 2 है क्योंकि दीदी 25 की ओर है तो हम अभी इसको 2 को यू नो इससे करते हैं क्या करते हैं फुलाते हैं और मुझसे ना ये कभी भी नहीं होता मैं इतनी परेशान होती ना इसको करते रहती थी मैं मम्मा की हेल्प नहीं लूँगी इस बार मैं जो करूँगी मैं खुद करूँगी क्योंकि दी मेरे लिए इतना कुछ करती तो मेरा इतना तो बनता है एक दिन उनके नाम होता है तो बस हम इसको करते हैं। ओके आ जाओ फाइनली इसने मेरी हवा निकाल दी सारी कूदने कूद डरती है आजा आजा
दूसरे में ले लेंगे। अच्छा तो मैं आपको बता दूं, वो जो हमने 25 ऊपर लगाया था ना, वो बेचारा खुश हो गया, इसलिए मैंने करण भैया को कहा कि स्पेशली छोटू वाले मंगाए थे, नीचे गिरता। तो फिर हमने ये मंगा कि भैया हमें रात को दीदी को सरप्राइज देना है, एडिट करना है, तो आप प्लीज़ जल्दी भिजवा। तो उन्होंने स्पेशल भिजवाया, वैसे वो वाला बड़ा वाला था, अगर आप जो देख रहे हो, बेचारा खुश हो गया। मैं ट्राई करती हूँ, बट ट्राई भी नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ से पूरा फट गया है। हाँ वो देखो, आपको दिख रहा है वहाँ से फट गया है वो, वहाँ से तो वो भी नहीं हो सकता, तो हम इसको उतार देंगे। बट जो ये ए है ना, पहले हम इसको मैनेज कर लें, क्योंकि ये अब इसका तो हो गया, बट उसको करना है। आ जाओ तो ये है फाइनल लुक। एंड मैंने आपको ब्लॉग में बोला था कि मैं आपको केक अभी दिखाऊंगी, तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये है केक। आई नो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने खुद बनाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये मन्नत जी का है, तो मन्नत लिखा हुआ है ऐसे है। एंड ये हमने यहाँ पे लाइट लगाई थी ऐसे, थोड़ा अच्छा सा एस्थेटिक लुक लाने के लिए। और मैं सारी लाइट्स जगा देता हूँ और आपसे बात करता हूँ। यस केक कट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू अ पर्सन, आई विल फॉरएवर बी थैंकफुल, आई विल फॉरएवर बी ग्रेटफुल फॉर अ सोल सो काइंड, फॉर एन एंजल बाय माय साइड, फॉर आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ सिस्टर एज माय गाइड। हैप्पी बर्थडे दीदी, आई होप आपको ये सरप्राइज अच्छा लगा होगा। मुझे याद है दीदी मुझे ऑलवेज बोलते थे दैट क्रिसमस आप ना खुद के डिसीजन लो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको नहीं अच्छा लगता आप खुद चूज करो। तो ये सब कुछ मैंने डिसाइड किया कि क्या करना है क्या नहीं करना। एंड मम्मा का हाथ होना ज़रूरी है हर एक चीज़ पे, वो तो वैसे भी ज़रूरी है, और जैसे जो भी सरप्राइज करने थे उसमें यू नो मनी तो चाहिए होती है। इसलिए हर बार मुझे दीदी और मम्मा स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन इस बार सारा स्पॉन्सर मुझे मम्मा ने किया, तो उसके लिए मुझे मम्मा की काफ़ी बड़ी नींद थी। लेकिन जो मैं केक रेडी करने गई वो मैंने मम्मा को नहीं बताया, मैंने खुद रेडी किया। आई नो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे इमोशंस हैं, और इसको हम कल डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे, क्योंकि ये केक काफ़ी छोटा है और एक और केक आ रहा है, तो फिर वो आपको रील से पता लग जाएगा। तो अब हम केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये केक मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि दीदी की फेवरेट है गुहू। आई नो मीठा नहीं खिलाते हैं, बट थोड़ा सा गुहू खिला देते। कुछ दीदी हैप्पी बर्थडे बोल दो कुछ दीदी को। ये आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफी न्यू मैंने ट्राई किया, काफी न्यू सरप्राइज हो, एंड आपको भी अच्छा लगा होगा और दीदी को भी लगा होगा। जब दीपा जाएगा तब पता लगेगा। एंड यस अब हम खाते हैं केक, तो मैं इसको खा रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू दीदी।